साईं राम। सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। मैं राजेंद्र सुराना दिल्ली से। मैं राकेश जी जुनेजा के साथ 7 वर्षों पूर्व जुड़ा था। उनकी पहली पुस्तक जेल में साईं साक्षात्कार आई। इस पुस्तक के साथ राकेश जी के साथ मेरी भी साईं साहित्यिक यात्रा उनके एक सहयोगी के रूप में प्रारंभ हुई। इसके बाद राकेश जी की दूसरी पुस्तक साईं ही क्यों आई, श्री साईं ज्ञानेश्वरी राकेश जी का एक अनमोल ग्रंथ है। यह ग्रंथ दासगणों के मराठी साहित्य के आधार पर तैयार किया गया है। दासगणों का साहित्य मराठी भाषा में था और राकेश जी एवं उनकी टीम को मराठी भाषा का कुछ भी ज्ञान नहीं था। यह एक बहुत बड़ी कठिनाई थी, लेकिन फिर भी साईं की कृपा से भाषांतरण का कार्य भी हुआ और अध्यायगत 9 अध्यायों में पुस्तक तैयार हुई और श्री साईं ज्ञानेश्वरी आप सभी के सामने आ पाई। यह पुस्तक श्री साईं के ज्ञान का एक अनमोल खजाना है, ऐसा खजाना जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा को बदल सकता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको मोक्ष प्राप्ति की ओर लेकर जा सकता है। आप इस ग्रंथ को पढ़ें, इस ग्रंथ का पारायण करें, इस ग्रंथ की सीडी का गायन संगीतमय रूप में किया गया है, उसे आप सुने। इससे निश्चित ही आपका आध्यात्मिक कल्याण होगा। मेरी आपसे यही विनती है कि आप इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें और इसे हृदय में उतारने का अवश्य प्रयास करें। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ। इस 25 तारीख को साईं इवेंट होने वाला है, उस इवेंट के साथ आप जुड़ें। कर ना सके जो साल भर नियमित इसका पाठ, गुरुवार के दिन लगा भक्ति भाव का ठाट, मन मानस में साईं का धरना ध्यान जरूर, मंगलकारी सिद्ध हो और कामना पूर, हफ्ते भर में एक दिन संभव ना हो काम, पुण्य दिवस एकादशी पोथी हाथों थाम, श्री साईं ज्ञानेश्वरी साईं सिरजनहार।